पढ़ाने जा रहा हूँ कि जब टू सेक्टर को लेकर के हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके पहले हमें कंजप्शन पढ़ना पड़ेगा, सेविंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसके साथ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ क्लास। होता है कि किसी भी गिवन इनकम पर आप कितना कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंजप्शन फंक्शन इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स, ठीक है। टोटल कंजप्शन एंड नेशनल इनकम, कंजप्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। इट मीन्स ये दिखाता है प्लस कि अगर हमारा इनकम चेंज होती है, अगर हमारी इनकम चेंज होती है तो हमारा कंजप्शन चेंज होगा। इट मीन्स अगर हमारा कंजप्शन इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा, और अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली आपको मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि जो सिंबोलिकली ये दिखाना चाहता है कि देयर इज कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। व्हाई? बिकॉज इफ चेंज द इनकम चेंज योर कंजप्शन। आई थिंक इट्स क्लियर। सो वी कैन से कंजप्शन फंक्शन इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। फाइनली वी कैन से कि जो चेंज होगा कंजप्शन में और इनकम में चेंज होगा, तो इनके रिलेशन को एक पर्टिकुलर इनकम पर कितना कंजप्शन हो रहा है, इसको जब हमें स्ट्रेटजी एक जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं तो उसे हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं क्लासेस को। या यू कह सकते हैं कि यहां पर कंजप्शन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम जो है इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स कंजप्शन डिपेंड कर रहा है आपकी इनकम पे। और हम पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास y is equal to c plus s। तो अभी हम y और c के रिलेशन को पढ़ रहे हैं, s के रिलेशन को हम सेविंग फंक्शन में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जब y और c के रिलेशन को देखेंगे तो हमें कंजप्शन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। इतना समझ आया होगा। दूसरा होता है क्लास कंजप्शन शेड्यूल्स। कंजप्शन शेड्यूल ये होता है इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अमाउंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर कोरिस्पोंडिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। आई थिंक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यह एक टेबुलेशन है, मतलब अगर मैं बोलूं क्लास कि यहां पर हमारे पास देखो इनकम है और ये हमारी कंजप्शन है। अगर हमारी इनकम 1000 रुपीज है तो कंजप्शन हमारा 750 है। हमारी इनकम चेंज हो गई यानी कि 1100 हो गई तो हमारा इनकम 825 हो गया। इट मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट इनकम पे, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट इनकम पे डिफरेंट डिफरेंट कंजप्शन दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, देखिए वैसे वैसे कंजप्शन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ओके। और जैसे हमारी इनकम अगर ऊपर की तरफ यानी कम हो जाएगी तो कंजप्शन भी हमारा कम हो जाएगा। तो कंजप्शन शेड्यूल्स क्या होता है? तो कंजप्शन शेड्यूल ये हो गया कि वेरियस अमाउंट ऑफ इनकम पे क्या क्या कंजप्शन है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज है और यहीं पर क्लास आपका मैं क्लियर करना चाहता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंजप्शन फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है क्लास। एक होती है एवरेज प्रोपेसिटी, एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, और एक होती है मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। तो अब आपको मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं क्लास। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपकी इनकम, सपोज दैट मैं बोलता हूँ बेटा जी कि आपकी इनकम एकर 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये में से अगर आप उसमें 250 एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो यानी कि एपीसी एवरेज कितना खर्चा कर रहे हैं आप? 250 अपॉन 1000। इसका मतलब क्या हुआ क्लास? अगर इसको काटेंगे तो कितना लगेगा? 25 चौके मतलब 1/4। कितना आ गया? 1/4। यानी कि आप जो आपकी कंजप्शन जो है एवरेज कंजप्शन क्या है? 1/4 है, ठीक है। तो यानी कि मार्जिनल एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम का मतलब होता है कि उसका एवरेज। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम का मतलब होता है कि अगर 1000 इनकम है क्लास आपकी और उसमें 750 आप कंज्यूम कर रहे हैं, 750 को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.75 इट इज योर एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम आ गया। और इसी तरह से अगर 1100 रुपए है तो 825 खर्चा कर रहा है, तो 825 अपॉन 1100 इज इक्वल टू 0.75। सो वी कैन से
कि एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम इट इज रेशो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम, ठीक है, इट इज रेशो ऑफ कंजप्शन ऑफ इनकम। सो फाइनली हम यहां पर देख सकते हैं कि द एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम मे बी डिफाइंड एज द रेशो कंजप्शन ऑफ मे बी इज डिफाइंड एंड द रेशो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर टू प्लस इनकम। ठीक है, हम यहां से पढ़ने क्लास कंजप्शन, ठीक है, ये लाइन दो बार टाइप हो गई, देख लेना। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं कि परसेंटेज में या प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम्ड, यानी कि ए पी सी इक्वल टू सी अपॉन वाई। अच्छा देखो ये क्या कहता है कि ए पी सी डिक्लाइन इनकम इंक्रीज बिकॉज कंजप्शन कम डिक्रीज करता है। जैसे जैसे हमारी एपीसी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, हमारा कंजप्शन एक टाइम के बाद थोड़ा सा कम होता जाता है, हम आपको आगे बताएंगे। तो इस केस में एपीसी डिक्लाइन होती है। अच्छा एपीसी और इक्वल टू वन अपॉन एपीएस होता है। अब इसको कैसे समझेंगे, पहले आप ये देख लिए क्लास। हम मानते हैं कि वाई इक्वल टू सी प्लस एस, इतना आपने पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे क्लास, एपीसी निकालने के लिए वाई से सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वाई से अगर डिवाइड करेंगे दोनों को तो क्या निकलेगा बेटा, ये वाई से वाई कट जाएगा, वन इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, इसको बोलते हैं सी अपॉन वाई को बोलते हैं ए पी सी, और इसको बोलते हैं क्लास प्लस ए पी एस, ओके। तो अगर हमें ए पी सी निकालना है, अगर हमें एपीसी निकालना है क्लास, तो क्या करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें एपीसी निकालना है एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, तो कैसे निकालें क्लास, वन माइनस एपीएस, ओके। अगर हमें एपीएस निकालना है तो वन माइनस एपीसी, तो यही हमने लिखा है कि एपीएस इक्वल टू होता है वन माइनस एपीसी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा अब क्लास एक बताना कि मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि इनकम में कितना चेंज होने से कंजप्शन हमारा कितना चेंज हो रहा है। एक सिंपल बोलेंगे, याद रखना कि एमपीसी का मतलब होता है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इट मींस हाउ मेनी टाइम चेंज ऑफ कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ऐसा नहीं बोलेंगे, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम चेंज होने से कंजप्शन कितना चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि अगर आपने 1000 रुपये है क्लास आपके पास और 250 आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे, और अगर आपकी इनकम 2000 हो गई आपकी, तो ये आपका एक्सपेंडिचर 500 हो गया। तो अगर आपको एमपीसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे क्लास, 500 माइनस 250 अपॉन कितना है 2000 माइनस 1000, ऐसा कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1000 में चेंज आया है और इसमें कंजप्शन में कितना चेंज आया है 250 चेंज आया है, काट देंगे तो 1/4 बनेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एमपीसी कांस्टेंट दिखा रहा है। तो अगर मैं ये चीज थोड़ा सा और डिफाइन करूँ क्लास, तो कैसे लिखेंगे कि इट इज द डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू इट इज द डिफाइंड, अच्छा दो बार टाइप हो गया, ठीक है, इट इज द डिफाइंड चेंज कंजप्शन एज चेंज इनकम, यानी कि इट इज द रेशो ऑफ इसका चेंज इन एपीसी। हम ऐसा कह सकते हैं कि एमपीसी जो है एपीसी का चेंज है, या एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसको बता चुका हूं। अब इसको एमपीसी कैसे निकालें क्लास, तो इसका भी फार्मूला देख लीजिए। हम कहते हैं कि जब इनकम आपकी चेंज होगी तो कंजप्शन भी चेंज होगा प्लस आपकी सेविंग भी चेंज होगी। हम इस पूरे इक्वेशंस को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको क्लास कितना बनाएगा, ये हो जाएगा वन, वन इज इक्वल टू इसको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं क्लास, एम पी सी बोलते हैं, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई को बोलते हैं एम पी एस। सो वी कैन राइट अगेन एम पी एस इज इक्वल टू वन माइनस एमपीसी, ठीक है। सो अब हम टेबल में दिखाते हैं क्लास की, ये बेसिकली मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, आपके चेंज को दिखाएगा,
और एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम आपके एवरेज को दिखाएगा। अब मैं अगर आपके उस टेबल पे आता हूँ, अगर मैं इस टेबल पे आता हूँ क्लास, तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए आपके सामने इनकम गिवन है, ये इनकम गिवन है, और इस इनकम पे एक आदमी का एक पर्सन का कंजप्शन गिवन है। तो अगर आपको एपी से निकालना है तो इसको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कर दिया, और चेंज दिखाएंगे तो इन दोनों में चेंज देखो कितना आया, 1100 से 1000 रुपये, तो 100 रुपये का चेंज आया है। तो पहले का इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो पहले का जीरो हो जाएगा। दूसरे में 1100 रुपये से 1200 बीच में आएगा, तो कितना चेंज आया, 100 का चेंज आया, 100 का कितना चेंज आया कंजप्शन में, 75 का, कितना 75 का, तो आएगा 0.75। इसी तरह से अगर 1100-1200 के बीच में देखेंगे तो 100 का ही चेंज आ रहा है और कंजप्शन 75 का चेंज आ रहा है। तो सब में 75 का चेंज आ रहा है क्लास, ओके, और सब में, तो इसका मतलब एमपीसी क्या है, सबकी कांस्टेंट हो गई है, ठीक है, सबकी सेम आ रही है। तो इस तरह से अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करना पड़े क्लास, अगर हम इसी चीज को एक ग्राफ में प्लॉट करें, मान के चलो हम कहते हैं चलो हम इसको ग्राफ बनाते हैं, तो अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे बेटा जी, ये देखते हैं। पहले अगर इसी चीज को हम ऐसे बना सकते हैं, तो अगर हम इसको प्लॉट करें क्लास की, यहां पर हम देखते हैं कि यहां से जाएगा, ओके, यहां से, इट मीन्स देखो क्लास, अगर आपकी यहां पर हो रहा है कि इनकम कितनी है, तो है 1100 रुपए है, तो 1100 पे 750 है, 1100 पे क्लास 750 है, तो यानी कि इनकम 1100 रुपए पे 750 है। तो यहां हम क्या करेंगे क्लास, वाई एक्स पे क्या लेंगे, हम इनकम लेंगे, ठीक है, इनकम लेंगे, और यहां पर हम क्या ले रहे हैं, कंजप्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो कंजप्शन ले रहे हैं। तो अगर हम यहां पर 1100 रुपए है तो कुछ कंज्यूम कर रहा है, मान चलो 750, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो बेसिकली ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ये कंजप्शन का। लेकिन इनकम जीरो होने पर, इनकम जीरो होने पर भी हो सकता है कुछ कंजप्शन कर रहा हो, इनकम जीरो होने पर, मान के चलो क्लास हम यहाँ पे एक और कॉलम रख लेते हैं, इनकम को जीरो कर देते हैं, जीरो इनकम है तब भी वो मान चलो कि 50 रुपीज का कंजप्शन कर रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कि आप का कंजप्शन यहां से स्टार्ट होगा 50 रुपीज से, यानी कि जब इनकम जीरो है तब 50 कर रहा है, कहीं से उधार लेके कर रहा है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई है आपकी क्लास, वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता गया है। और एक लाइन ये होती है जिसे हम बोलते हैं वाई की लाइन है, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट ग्राफ में दिखाते हैं, अभी आपको पर में आ जाएगा। ओके, नाउ वी कैन कॉल लीनियर फंक्शन क्लास, दिख रहा है आपको बेटा जी। तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं क्लास, थोड़ा सा बताइए इतना समझ में आ गया, फिर आगे चलें प्लीज। ओके, क्लियर है ना, ओके। सो क्लास अब हमें ये देखना है, देखिए ध्यान से, कि अगर मैं बोलूं क्लास कि चलो यार हमारा जो ये सी है ये इतना है, ये कितना है, कंजप्शन 50 रुपए का है जब इनकम हमारी जीरो है तो, ठीक है, और ये जो है बी क्लास, हम अब कंजप्शन फंक्शन एक और बनाएंगे, कि कई बार होता है कि इनकम जीरो होती है फिर भी कंजप्शन करते हैं, तो कंजप्शन इज इक्वल टू ए, यानी कि ए मीन्स यहां पर ऑटोनोमस कंजप्शन है, प्लस बी का मतलब यहां पर एमपीसी है क्लास, बी का मतलब एमपीसी है, कितना चेंज हो रहा है, वाई है। तो ये ग्राफ अलग से बनता है, एक अलग से इक्वेशन बना। पहले हमने पढ़ा था कि कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ वाई, वहां पर हमने ए को कांस्टेंट माना था, जीरो कुछ नहीं था, लेकिन तो कंजप्शन किस पर डिपेंड करेगा, मतलब चेंज इन कंजप्शन पे, ठीक है। यानी कि अगर मैं पिछले पॉइंट को लेता हूं, पिछले ग्राफ में टेबल में जाकर देखेंगे तो ये कितना आया था, ये कितना आया था, 0.75 आया था, ओके तो अगर हम उसी टेबल को यहां पर प्रेजेंट करेंगे तो कितना लिखेंगे क्लास, एक ही जगह आप लिखेंगे 50 प्लस 0.75y, ठीक है। सो नाउ यू कैन से योर कंजप्शन फंक्शन इज कंजप्शन बनेगा, ये बन जाएगा। अगर वहीं पर क्लास अगर आपका y
इनकम के साथ कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा, जब इनकम जीरो है तो कंजप्शन भी जीरो है, तो आपकी लाइन कहां से स्टार्ट होगी? फिर तो आपका जो ग्राफ बनेगा क्लास, यहां से प्लॉट होगा। ध्यान सुनना, ये वाई की लाइन है, तो ये कंजप्शन फंक्शन बनेगा। इस कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ वाई। इस केस में क्या हो रहा है बेटा? इस केस में हो रहा है कि हमारी इनकम जो है जीरो है तो कंजप्शन भी जीरो है, यानी कि सी इक्वल टू बी वाई सिर्फ यहां पर है। ये क्या है? ये स्लोप है, डेल्टा वाई डेल्टा सी, सो वी कैन से इट इज अ स्लोप। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो सी की लाइन होती है ये स्लोप है बेटा जी। बी क्या है आपका? स्लोप है, मार्जिनल। स्लोप क्या दिखाता है? स्लोप जो होता है वो मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम को दिखाता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और लास्ट एग्जांपल में देखा कि एमपीसी 0.75 है हर एक पॉइंट पे, ओके। और अगर ऑटोनोमस कंजप्शन आपका ए इज गिवन है ₹50, तो कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू 50 + 0.75 वाई, ओके, इट्स योर कंजप्शन फंक्शन। इतना समझ में आ गया? तो देखिए एक चीज और क्लास आपको दूसरे टेबल में समझा रहा हूं। ये तो हमें बताया कि कंजप्शन फंक्शन लीनियर कंजप्शन फंक्शन है, सीधी लाइन का कंजप्शन फंक्शन कैसे बनेगा, ओके। इस केस में क्या हो रहा है कि देखो एपीसी जो है एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम क्या हो रहा है क्लास? बढ़ रही है घट रही है? और एमपीसी, हाँ एक चीज और बताना भूल गया क्लास, अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा तो इस केस में क्या होगा कि जो एपीसी है और एमपीसी है वो तो दोनों क्या होगी? इक्वल होगी, इक्वल होगी। जैसे कि पिछला एग्जांपल देखिए क्लास, पिछला एग्जांपल में देखेंगे, देखिए 0.75 एपीसी हो गया और 0.75, तो एपीसी एमपीसी दोनों इक्वल हो रही है। कब हो रही है? जब इनकम नहीं है, इनकम जीरो है, कंजप्शन जीरो है, तो इस केस में एपीसी एमपीसी इक्वल हो रही है। यानी कि जब हमारा ग्राफ ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो उस केस में आपका जो है एपीसी और एमपीसी क्या होगी? इक्वल होगी। एपीसी एमपीसी इक्वल होगी, यहां से स्टार्ट होगा तो, ठीक है। अब दूसरे केस में अगर वहां से ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता है, अगर वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, यानी कि हम दूसरा प्लॉट देखते हैं कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है यहां पे, तो इसका मतलब ये कंजप्शन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंजप्शन इतना हो रहा है, ओके, इस कंजप्शन पे, और ये हमारी ये कंजप्शन है। तो देखिए इनकम हमारी क्लास क्या है कि जी ये हमारा कंजप्शन लाइन है। अब कंजप्शन लाइन कैसे बनेगी? ए प्लस बी वाई, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ गिवन है। अब अगर हमें एपीसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। एपीसी इक्वल टू, अब सी कैसे? यहां से ले लीजिए तो सी हो गया, अब सी अपॉन वाई, ओ सी ले सकते हैं, ओ सी अपॉन ओ वाई वन, इसको ले सकते हैं ओ सी अपॉन ओ वाई वन, ओके। और इसी तरह से हम यहां भी जा सकते हैं, तो यहां भी तो एपीसी है तो सी वन कर दीजिए। तो हम इस पे लिखेंगे कि अगर एपीसी इस पॉइंट ला करके यहां लेंगे तो एपीसी हो जाएगा सी वन अपॉन वाई वन इक्वल टू ओ सी वन अपॉन ओ वाई टू, ओके। अब हमने आपको बताया था कि अगर ये चेंज दिखाता है, देखो क्लास इस पॉइंट पे थे तो आप इतना कंज्यूम करें, तो अभी आपकी इनकम कितना चेंज हो गई? इतना चेंज हो गई, चेंज इनकम इतना हुई है, और कंजप्शन कितना चेंज हुआ आपका? इतना हुआ। तो डेल्टा सी चेंज कंजप्शन को दिखा रहा है और डेल्टा वाई चेंज इनकम को दिखा रहा है, तो इसका जो रेशो निकालेंगे तो इसे बोलेंगे हम एमपीसी। सो एमपीसी क्या होता है? एपीसी का चेंज ही तो है, ओके, या डेल्टा सी डेल्टा वाई, और इसी को स्लोप बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ऐसे, तो ये हो गया डेल्टा सी और ये हो गया डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी डेल्टा वाई ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्लास हो गया कि किस तरह से हम
कंजप्शन फंक्शन को निकालते हैं, ठीक है। अगर वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है तो एपीसी और एपीसी इक्वल होगी, अगर ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता है तो एपीसी और एमपीसी बोथ आर डिक्लाइन बट एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, ये हमेशा रहेगा क्लास। ओके ओके, तो अब ये बताइए, इतना समझ में आ गया तो आगे चले बेटा, अदरवाइज मैं रिवीजन देता हूं, प्लीज बताइए। क्लास एनी डाउट इसके लिए? भाई किसी को डाउट हो तो बता दो प्लीज, देन हम आगे चले। कोई हेजिटेशन मत करना बेटा, दोबारा समझा दूंगा मैं। आगे चले बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो अब आप देखिए सेविंग फंक्शन क्या होता है। सेविंग फंक्शन जैसे कंजप्शन होता है वैसे सेविंग होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको हटके पढ़ाता हूं आपको कि क्लास देखो, सेविंग फंक्शन भी वैसे ही है जैसे आपका कंजप्शन फंक्शन था। तो आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। कि सेविंग फंक्शन वैसे होता है जैसे सेविंग डिपेंड करता है किस पर, फंक्शन ऑफ वाई पे, या भी डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ वाई पे। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं कि वाई इक्वल टू सी प्लस एस, और सेविंग निकालना है तो क्या करेंगे क्लास, हम पढ़े हैं वाई इक्वल टू सी प्लस एस, और सेविंग निकालना है तो सेविंग निकालना है तो वाई माइनस सी कर देंगे, हमें ये पता है। क्लियर बेटा जी? अच्छा, तो ये हमारा पता है। अब कहते हैं कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ वाई, सेविंग इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ओके, तो y इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस सी एस, तो सी एस इक्वल टू होता है y माइनस सी, इसको बता चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं क्लास, हमारे सामने केंजियन फंक्शन c, केंजियन फंक्शन क्या होता है क्लास, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, a प्लस बी वाई। ओके, अगर हमें सेविंग फंक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, सेविंग इक्वल टू, बताओ सेविंग इक्वल टू y माइनस सी, y तो वही रहेगा माइनस ए, बोल बेटा याद नहीं है, और इसको ब्रेकेट में कर देंगे, प्लस बी वाई कर सकते हैं आप, ठीक है, यही तो पढ़े थे। तो हम इसको तोड़ देंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, तो क्या निकलेगा क्लास, हमारा हो जाएगा माइनस ए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही लिखा हुआ बेटा जी, आप दूसरे तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो y इक्वल टू ये हो गया आपका, जब हम इसको y इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, और फिर हम a इधर लेंगे, y y लेंगे तो होगा, फिर इसमें y कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बी हो जाएगा, a बन जाएगा, यानी कि सेविंग फंक्शन हमारा तो जो था वो था सेविंग फंक्शन बन जाएगा माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, क्या बन जाएगा y, यानी कि हमारे पास अगर क्लास ऐसा बताऊं कि ये तो हमारा कंजप्शन फंक्शन था, कंजप्शन फंक्शन क्या था, a प्लस बी वाई, ठीक है, ये कंजप्शन फंक्शन था, और अगर इसको हम सेविंग फंक्शन लिखाएंगे तो माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये सेविंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, दिया गया है, मान चलो आपके सामने दिया गया है कि कंजप्शन इज इक्वल टू, कंजप्शन इज इक्वल टू 150 प्लस 0.8 वाई, क्लियर है क्लास। अब हमें सेविंग निकालना है तो सीधे या तो डायरेक्ट ले दीजिए कि माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, या आप इसी को देख लीजिए क्लास, अगर इसको पुट करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो बेसिकली होगा क्या कि आप एग्जाम में क्या करना, इसको माइनस कर देना 150, ठीक है, माइनस 150 प्लस माइनस 1, लेकिन जो 0.8 है हमारा कितना है, 0.8 है तो कितने बचेगा 0.2, तो 0.20 वाई, बस यही कर देना आपको, मतलब ये जो प्लस में है ये इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है, ये प्लस में है इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका
कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो सेविंग फंक्शन है क्लास, हम इसको पीछे पढ़ा भी चुके हैं कि ए पी सी प्लस एम ए पी एस, ठीक है, ए पी एस इक्वल टू वन, या वन माइनस एम पी सी, वन माइनस ए पी सी इज इक्वल टू एम ए पी एस, ठीक है, ये हम बता चुके हैं क्लास। तो ये सब आप जान रहे हैं, दोनों इक्वल होता है एम पी एस ए पी एस। अब आपको बताता है कि एवरेज प्रोपेसिटी टू सेविंग कैसे होता है। तो इसमें भी क्लास एवरेज प्रोपेसिटी टू सेविंग वैसे ही होता है जैसे इसमें होता है कि यस अपान वाई, ठीक है, जैसे कंजप्शन में सी अपान वाई होता है, चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन का रेशो और इनकम का रेशो, वैसे यहाँ पर है सेविंग के भी यस बाई वाई होता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं ग्राफ में क्लास, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं दोनों को, हमने इसको पढ़ा चुका हूँ, इसका दोबारा नहीं बता रहा हूँ। ए पी एस इक्वल टू एम पी एस हो गया और ए पी हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्लास अगर आपको एम पी सी निकालना है तो एम पी एम पी एस निकालना है तो डेल्टा एम पी एस को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कर देते हैं, इतना समय आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक इसका टेबल नहीं लिया क्लास आपका, इसका मैंने टेबुलेशन नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा होगा बिना टेबुलेशन के पढ़ा दिया आपको। आप देखिए ध्यान से समझना क्लास, ठीक है। एक हमारे सामने ग्राफ है, एक हमारे सर एक ग्राफ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दूसरा ग्राफ साथ के साथ बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं कहता हूं क्लास की आप मान के चलो आप इतना कंजप्शन कर रहे हैं, आपकी इनकम जब जीरो है तो इतना कंजप्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इतना पैसा बाहर से बारो कर रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, तो माइनस ए यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये क्लास हो गया कंजप्शन फंक्शन, जिसे हम लिखते हैं ए प्लस बी वाई, क्लियर लिखते हैं। अच्छा, यानी कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका सेविंग फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि आप माइनस में है क्लास, ओके। तो इसको क्या लिखेंगे, सेविंग इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस ए, प्लस ये b था मार्जिनल प्रोपेसिटी टू, यहाँ पर b क्या है, b क्या है एम पी सी है, यानी कि डेल्टा c अपॉन डेल्टा वाई, और ये क्या है वन माइनस बी, तो अब वाई, तो वन माइनस बी यहाँ पर क्या है, वन माइनस बी है यहाँ पर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि इसे बोलेंगे क्या एम पी एस, ठीक है। अब देखो मान के चलो क्लास आपकी इनकम ये है, ये वाई लाइन है। अब देखो इस जहां पर इनकम पूरा कंजप्शन हो रहा है, जहां पर कंजप्शन कुल हो जाएगा, सोलर लाइन यहाँ जाना चाहिए था, तो वहां पर जो y1 है तो इस y1 पर जो सेविंग क्या है, जीरो है, सेविंग जीरो है। और इसके नीचे क्लास, इसके नीचे देखो आपकी के डिस सेविंग है, आपकी कोई सेविंग नहीं है, इसे बोलते हैं डिस सेविंग, ये डिस सेविंग एरिया है, ओके। और जैसे जैसे ये क्लास आपके इनकम है, ये आपकी इनकम है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, देखिए आपका ये सेविंग बढ़ रहा है, सेविंग आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और ये एरिया भी क्या देता है कि आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका ये कंजप्शन की लाइन है, ये इनकम की लाइन है, तो ये क्या हो गया, ये भी सेविंग को दिखाता है आपका, ओके, ठीक है। और ये क्या है क्लास, ये भी डिस सेविंग है, यानी कि आप इसको उधार लेके खर्चा कर रहे हैं, तो ये यहां भी देखो डिस सेविंग है और यहां भी डिस सेविंग है, इसका मतलब है कि आप इतना बाहर से बारो करके खर्चा कर रहे हैं और इतना आपका माइनस में है, और ये आप अपना उधार लेके खा रहे हैं, तो इनकम जीरो है तब भी आप इतना कंजप्शन कर रहे हैं, तो आपका कंजप्शन फंक्शन जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसको बोलेंगे सी प्लस ए प्लस वाई, और यहां पर क्लास आपका यहां से स्टार्ट होगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई, ठीक है, आपका सेविंग फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए एक चीज और देखिए क्लास की, जब हमारी इनकम इतनी थी,
या हमारी अब हमारी इनकम मान लो चेंज हो गई, इनकम हमारी चेंज हो गई, यहाँ हो गई। तो इनकम चेंज होने से हमारा जो कंजप्शन है देखो कितना चेंज हुआ क्लास, इतना डेल्टा सी, यानी कि पहले हम इतना कंज्यूम करते थे, अभी हमारा कंजप्शन बढ़ गया, इतना हो गया, इतना कंजप्शन बढ़ गया। तो ये डेल्टा सी हो गया और डेल्टा ये वाई हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एमपीसी, बोलते हैं हम एमपीसी। तो इसी तरह से यहां पर देखेंगे कि इसको हम बोलते हैं एमपी डेल्टा सी, चेंज कितना कंजप्शन में आया है, कंजप्शन का चेंज आप यहां से निकाल सकते हैं, ओके। और सेबी में कितना चेंज आया है, तो देखिए आप सेबी में कितना चेंज आया है, यहां पर आइए, तो ये आपका डेल्टा सेविंग हो गया। तो सेविंग ये अब देखो वाई हमने बताया था वन इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यही तो बताया था। तो ये देखो ना डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई जितना चेंज आया है, इनकम में जितना चेंज आया है वो टू पार्ट से बढ़ गया है, एक सेविंग में और एक कंजप्शन में। या ऐसा कर सकते हैं कि वन इक्वल टू एम पी सी प्लस एम पी एस, तो एम पी एस इसको वाई से डिवाइड किया है, तो यानी कि हमेशा वन आता है। तो इसे बोलते हैं टू साइड। यहाँ पर सेविंग भी क्लास हमने दिखा दिया, फंक्शन दिखा दिया, और यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन दिखा दिया। पूरी इनकम कंजप्शन प्लस सेविंग है। अगर दोनों का ए पी सी लेंगे, दोनों का ए पी सी लेंगे सी एफ आर वाई, और तो क्या हो जाएगा, हमेशा वन आएगा, कितना आएगा, वन इक्वल टू ए पी सी प्लस ए पी एस आ जाएगा, ठीक है, दोनों का एक आएगा जोड़ेंगे तो। और अगर इसी से अगर एम पी सी जोड़ेंगे दोनों का एम पी सी, डेल्टा सी एस अपॉन डेल्टा वाई आई डेल्टा सी एट अपॉन डेल्टा वाई, दोनों को टोटल करेंगे तो हमेशा कितना आएगा क्लास, वन आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेविंग है ये यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, ये जो सेविंग है यहाँ सेविंग दिखा रहा है, इतना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं क्लास। अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाता है बेटा जी कि चलो मैं बोलता हूँ, चलो क्लास बताइए कि आपका जो कंजप्शन गिवन है मान चलो 200 है प्लस 0.5y है, तो अगर आपको इसको सेविंग फंक्शन बनाना हो तो प्लीज बताइए सेविंग फंक्शन कितना बनेगा बेटा जी, प्लीज बताइए आप लोग सेविंग फंक्शन कितना बनेगा, 1-3 बताओ ना बेटा जी, माइनस 200 प्लस 1-, और 1-, 0.5, ठीक है वाई, यही तो बनेगा बेटा जी, ओके बेटा लोग, ठीक है। ये अगर सुनो, अगर आपको इनकम दे दी जाती है, अगर आपको कंजप्शन दे दिया जाता है क्लास, यहाँ पर इनकम दी गई है तो कंजप्शन कितना हो रहा है, अगर मैं बोलूँ कि चलो ये आपका है, ये आपका 40 गिवन है, ठीक है, ये आपका 40 है मान चलो, ठीक है, और ये आपका बी है वो 0.8 है। देखो अगर मैं बोलूं कि ए इज इक्वल टू 40 एंड बी इज इक्वल टू 0.8 और y इज इक्वल टू 100 रुपीज, फाइंड योर इनकम, तो फाइंड योर कंजप्शन लेवल या फाइंड योर इनकम, तो कैसे बनेगा बेटा जी, कितना कंजप्शन कर रहा है, सॉल्व कर दीजिए, 40 प्लस 0.8 इंटू 100, यार आंसर बता दो आप लोग प्लीज, अब जो भी आएगा निकाल लेंगे ना बेटा आप लोग। Yes, तो क्लास आपके एग्जाम में आएगा कि एक सेविंग फंक्शन दे दिया गया है, फाइंड योर कंजप्शन फंक्शन, आइदर न्यूमेरिकल दे दिया जाता है या आइदर आपको डेरिवेटिव करने के लिए आता है, आपको ऐसे ड्राइव करना है बस, डेरिवेटिव करने के लिए होगा तो आप डेरिवेटिव कर लेना, कैसे कि अगर हमारे पास अगर कंजप्शन फंक्शन है तो सेविंग फंक्शन कैसे निकालेंगे, ड्राइव कर लेना। अगर कंजप्शन फंक्शन दे दिया जाता है क्लास आपका कुछ मान के चलो, ठीक है, तो उसमें पूछता है कि अगर y इनकम है तो कंजप्शन कितना होगा, तो ये भी निकाल लेना आप। तो मैं फाइनली फिर से आपको एक बार रिकॉल नहीं करना चाहता, मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ जहाँ आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्लास, ठीक है। तो बेसिकली आप कैसे निकालेंगे ये सब चीज़ें इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्लास देखो कंजप्शन फंक्शन क्लियर, डाउट हो तो बता देना, कंजप्शन फंक्शन क्लियर आपका,
कंजप्शन शेड्यूल क्लियर हो गया, एपीसी एमपीसी क्लियर हो गया। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखो बेटा जी, अगर मैं यहीं पर अगर बनाना चाहूँ कि 100 1000 इनकम है तो 750 कंजप्शन हो तो सेविंग कितना होगा बेटा जी, यहाँ अगर सेविंग का ग्राफ डाल दें हम तो सबका सेविंग निकलेगा बेटा जी, सबका सेविंग आ जाएगा। और फिर ऐसे ही एस अपान वाई निकालेंगे, डेल्टा एस अपान वाई निकालेंगे और एक साथ ग्राफ को प्लॉट करेंगे आप, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्लास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा जी, ठीक है। यस सर।